हाय एवरीवन, अगर आप लोग भी व्हाट्सएप पे लगी हुई स्टेटस को अपने गैलरी फिल्म में लाना चाहते हो वो भी बिना किसी ऐप की मदद से, तो आज के इस वीडियो में आप सभी बताऊँ कैसे आप सभी को व्हाट्सएप पे लगी हुई स्टेटस यानी फोटो वीडियो को डाउनलोड करके बहुत इजीली आप अपने गैलरी फिल्म में ला सकते हैं वो भी बिना किसी ऐप की मदद से। तो वीडियो के बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक बने रहे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आप सभी को करनी है। एंड उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की नॉलेज मिलती ही रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि व्हाट्सएप पर कोई भी स्टेटस लगाया जाता है तो हम उसे जानिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड करके हम अपने गैलरी फिल्म में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली सी करिए, आप सभी को अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप सभी को स्टेटस पे आ जानी है। स्टेटस पे जैसे ही आते हो तो आप सभी को बहुत सारी स्टेटस मिल जाती है देखने को। तो जैसे ही मैं यहाँ से आवाज़ कम कर देता हूँ, ये वाले स्टेटस को मैं अपने गैलरी फिल्म में लाना चाहता हूँ, जैसा कि देख सकते हो। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टेटस जो आप लोग देख रहे हो, ये जैसे ही डाउनलोड करते हो तो उसका डाटा कहाँ जाता है आप सभी को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ये डाटा आपके फाइल में चला जाता है, वो आपके फाइल में ये वाली वीडियो चला जाता है, लेकिन आप सभी को ऐसे नहीं दिखने वाला है। तो ये कैसे दिखेगा, जिससे आप व्हाट्सएप पर लगे हुए स्टेटस देखते रहते हो, ये डाउनलोड यहाँ पर हो जाता है और दिख भी जाता है और आपके मोबाइल में ये डाटा सेव हो जाता है। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, ये डाटा देखने के लिए और ये वाली वीडियो को यानी फोटो वीडियो जो भी रहता है वो आप बहुत ही जल्दी मिला सकते हो। तो सिंपली से आप सभी को क्या करना होगा, अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेनी है। आप सभी को यहाँ पे टच करके यहाँ पे आ जानी है। यहाँ पे जैसे आओगे तो आप सभी को एंड्रॉयड वाला एक नेम देखेगी फाइल की, तो आप सभी को उस पर टच कर देते हैं। उस पर टच करने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली से आप सभी को क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे टच कर देने हैं। इस पर जैसे ही टच करोगे तो आप सभी को नीचे में जाकर देख सकते हो व्हाट्सअप कंपनी का ऑप्शन देखने को मिल रही है, तो आप सभी को उस पर टच कर देने हैं। इस पर जैसे ही टच करोगे व्हाट्सअप पर टच कर देने हैं। टच करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आओगे तो आप सबको यहाँ पर थ्री डॉट देखने को मिल जाएगी, तो आप सभी उस पर टच करके 100 हिडन फाइल्स पर आप सभी टच कर देने हैं। जैसे टच करोगे तो यही और नीचे में मीडिया का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप सभी मीडिया वाले ऑप्शन पर टच कर देनी है। टच करने के बाद आप सभी को यहाँ पर सेकंड नंबर पर स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, तो आप सभी को उस पर टच कर देने है। इस पर जैसे ही टच करोगे तो जाकर देखते हो तो व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाया है तो ये डाउनलोड होके यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन गैलरी में नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए आपको कोई भी वीडियो यहाँ से ले लेनी है, लेने के बाद मैं ये वाली वीडियो को एक और पाई ये वाली वीडियो को मैं अपने गैलरी फाइल में लाना चाहता हूँ, तो सिंपली से आप सभी को उसको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप सबको मोर वाले ऑप्शन पर नीचे मिल रहा है, आप सबको उस पर टच करके कॉपी वाले ऑप्शन पर टच कर देनी है। एंड बैक आके स्टोरेज में आकर एंड कहीं कोई भी फाइल में या ऊपर में जब पेस्ट लिखा है पेस्ट कर देनी है। पेस्ट जैसे ही करोगे तो आप बैक आओगे, गैलरी को ओपन जैसे ही करोगे तो जाकर देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया, जाके देख सकते हैं आप। देन कुछ इस तरह से आप गोम करोगे तो बहुत इजीली व्हाट्सएप स्टेटस को अपने गैलरी फाइल में ला सकते हो। तो आई होप आप सभी की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।